भारत ने सीरीज के तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 252 रन का टारगेट दिया है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 50 ओवरों में 4 विकेट पर 251 रन बनाए, जिसमें एमएस धोनी ने 78, अजिंक्य रहाणे ने 72 और केदार जाधव ने 40 रन की इनिंग खेली। विंडीज की ओर से कमिंस ने 2 तो वहीं होल्डर और बिशू ने 1-1 विकेट लिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ही ओवर में 11 के स्कोर पर उसे पहला झटका लग गया। शिखर धवन 2 आउट होने वाले पहले बैट्समैन रहे। 2.4 ओवर में कमिंस की बॉल पर उन्हें रोस्टन चेज ने कैच कर लिया। भारत के स्कोर में 23 रन और जुड़े थे कि टीम का दूसरा विकेट भी गिर गया। 9.3 ओवर में जेसन होल्डर की बॉल पर विराट कोहली 11 को काइल हुक ने कैच कर लिया। इस वक्त टीम का स्कोर 34 रन था। तीसरा विकेट 100 रन के स्कोर पर युवराज सिंह 39 का रहा। 26.2 ओवर में देवेंद्र बिशू ने उन्हें LBW कर दिया। आउट होने से पहले उन्होंने रहाणे के साथ मिलकर 101 बॉल पर 66 रन की पार्टनरशिप की। अंपायर के आउट नहीं देने पर विंडीज ने रिव्यू लिया, जिसमें युवराज आउट निकले। चौथे विकेट के रूप में अजिंक्य रहाणे 72 आउट हुए। वे 42.2 ओवर में कमिंस की बॉल पर बिशू के हाथों कैच आउट हो गए। इस वक्त टीम का स्कोर 170 रन था। इसके बाद धोनी और जाधव ने मिलकर शानदार बैटिंग की और तेजी से रन बनाए। दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 46 बॉल पर 81 रन जोड़े। दोनों बैट्समैन नॉट आउट रहे। भारत की ओर से तीसरे विकेट के लिए रहाणे और युवराज ने 66 रन, चौथे विकेट के लिए रहाणे और धोनी ने 70 रन की पार्टनरशिप की थी।